आकाशवाणी बुलेटिन नाल मैं संजना शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी विच दुनिया के सब तो लंबे दरियाई क्रूज एमवी गंगा विलास नूं झंडी विखा के रवाना किया है। उन्होंने कहा कि 125 तो वध दरियावां नाल भारत विच जल मार्ग ट्रांसपोर्ट लई वड्डी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोल ओ सब कुछ है जिसकी कोई कल्पना कर सकता है ते बहुत कुछ अजिहा है जो किसी की कल्पना तो भी परां है। पार्लीमेंट का बजट समागम 31 जनवरी तो शुरू हो रहा है, यह 6 अप्रैल तक चलेगा। अज लोहड़ी का त्यौहार रवायती उत्साह नाल मनाया जा रहा है ते मर्दां दे हॉकी विश्व कप विच मैच शुरू हो गए ने। भारत का अज शाम स्पेन नाल मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही वाराणसी च विश्व के सब तो लम्मे दरियाई क्रूज एमवी गंगा विलास नूं झंडी विखा के रवाना किया। उन्होंने 1000 करोड़ रूपये तो वध दी कीमत के कई होर अंदरूनी जलमार्ग प्रोजेक्टा का उदघाटन भी किया ते कईयां दा नींह पत्थर रख्या। इस मौके ते बोलदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विच 125 तो वध दरिया होण करके देश कोल जलमार्गां दी ट्रांसपोर्ट विच काफी समर्थ है अते आवाजाई दा सस्ता साधन भी है। श्री मोदी ने कहा कि यह देश विच बुनियादी ढांचे दे कायाकल्प दा दहाका है। प्रधानमंत्री ने इस गल ते चानना पाया कि एमवी गंगा विलास दा सफर कोई साधारण सफर नहीं है क्योंकि यह देश दे अंदरूनी जलमार्ग सिलसिले विच विकास दी मिसाल है। पिछले सालां विच इस सैक्टर च होए महत्वपूर्ण वाधे बारे गल करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 च देश विच सिर्फ 5 जलमार्ग सन जो कि हुण 111 हो गए ने अते लगभग 2 दर्जन चालू ने अते माल दी ढोआ-ढुआई दी भी 3 गुणा वध गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा सिर्फ एक दरिया नहीं है सगो देश दे सफर दा चश्मदीद गवाह है। स्विट्जरलैंड दे सैलानियां नूं वधिया सफर लई शुभकामनावां दिंदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोल ओह सब कुछ है जिसकी कोई कल्पना कर सकदा है ते इस कोल कई चीजां किसे दी कल्पना तों वी परां ने। पार्लीमेंट का बजट समागम इस महीने की 31 तरीक नूं शुरू हो रहा है ते 6 अप्रैल तक चलेगा। नियमित छुट्टी वाले 66 दिनां दे समागम विच 27 बैठकां होणगीआं। यह जानकारी पार्लीमेंटरी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट विच दित्ती। उन्होंने कहा कि अमृतकाल दरमियान सरकार राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद दे मते केंद्रीय बजट ते होर मुद्दयां ते बहस की तांग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली च नीति आयोग विखे अर्थशास्त्रियों नाल इक मीटिंग कर रहे ने। हल्किआं ने कहा कि मीटिंग दौरान श्री मोदी केंद्रीय बजट तो पहला उन्होंने विचार ते सुझाव मंगणगे। मीटिंग विच होरना तो इलावा खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन नीति आयोग दे उप प्रधान सुमन बेरी भी हाजिर ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिन भर के दौरे ते जम्मू पहुंच गए ने। और राजौरी च डांगरी का दौरा करनगे जिथे उन्हां दा दौरे दहशतगर्द हमले विच मारे गए लोगों के परिवारों नूं मिलन दा प्रोग्राम है। केंद्रीय गृह मंत्री दा जम्मू कश्मीर विच सुरक्षा हालत दा जायजा लैण लई उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी करन दा भी प्रोग्राम है। वख-वख सुरक्षा दलों ते खुफिया एजेंसियां दे सीनियर अधिकारियों नाल भी एक मीटिंग विच हिस्सा लैणगे। उगे समाजवादी नेता ते साबका केंद्रीय मंत्री शरद यादव दे देहांत मगरों वख-वख नेतावां वल्लों संवेदना प्रगट कीती जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते कई होर केंद्रीय मंत्रियों ने शरद यादव के देहांत ते दुख प्रगट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शरद यादव के निवास स्थान ते गए ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। श्री शाह ने उन्हां दे देहांत नूं भारत लई अते देश दी सियासत लई इक वड्डा नुकसान करार दिता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी साबका केंद्रीय मंत्री नूं श्रद्धांजलि भेंट करन लई उन्हां दी रिहायश ते गए। एनसीपी दे मुखी शरद पवार सीपीआईएम दे जनरल सकत्तर सीताराम येचुरी ते होरना ने भी दुख प्रगट किया। शरद यादव दा कल देहांत होया सी। महाराष्ट्र दे नाशिक जिले च अज सवेरे सिन्नार शिरडी शाहरा ते एक बस हादसे च घट्टो घट 10 लोग मारे गए ते 34 होर जख्मी हो गए ने। हादसा अज सवेरे 6 बजे उस समय वापरिया जदों एक प्राइवेट बस सामने आ रहे एक ट्रक नाल टकरा गई। जख्मियों नूं सिन्नार दे वख-वख हस्पतालां विच दाखल कराया गया है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। अज लोहड़ी दा त्यौहार रवायती जोशो खरोश नाल मनाया जा रहा है। यह उत्तरी भारत विच ते खास तौर ते पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली चंडीगढ़ ते जम्मू च मनाया जांदा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अज लोहड़ी मकर संक्रांति माघ बिहू पोंगल अते होर त्यौहारां लई लोकां नूं मुबारकबाद दित्ती है।
श्रीमती मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार भारत की वन सुवंता विच एकता दे प्रतीक ने अते सभ्याचार दे रखवाले ने। श्री धनखड़ ने कहा कि देश के वख-वख हिस्सों अते वख-वख थावां विच वख-वख नावां नाल जाने जांदे इह त्यौहार अमीर सभ्याचारक वन सुवंता अंदर जरूरी एकता दा प्रतीक ने। नौजवान मामलों ते खेडां बारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नौजवानों नूं देश दे अमीर सभ्याचार ते रवायतां प्रति माण होना चाहिए। वह अगरतला विच युवा संवाद इंडिया एट 2047 विखे विद्यार्थियों नूं संबोधित कर रहे सन। उन्हां इस गल ते रोशनी पाई कि किस तरह नौजवान भारत नूं अगे वधाउण लई हरेक खेत्र विच हिस्सा लै सकदे ने। उन्हां ने नौजवानों नूं समाजिक बुराईयां खिलाफ लड़न लई उत्साहित कीता। राष्ट्रीय पड़ताली एजेंसी NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI साजिश केस विच राजस्थान विच 9 थावां ते छापे मारे ने। दहशतगर्दी विरोधी एजेंसी ने जयपुर ते कोटा विच 4 थावां ते ते सवाई माधोपुर जिले च 1 थां ते छापे मारे ने। एजेंसी ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड समेत डिजिटल यंत्र, तेज धार वाले चाकू ते इतराजयोग समग्री बरामद कीती है। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक विश्व एक परिवार के सर्वव्यापी सिद्धांत प्रति भारत की वचनबद्धता जाहिर करता है। मानव केंद्रित विकास लिए आलमी दक्षण की आवाज के उद्घाटनी समागम को वर्चुअल तौर पर संबोधन करदे श्री मिर्ज़ियोयेव ने कहा कि यह सम्मेलन भारत की G20 प्रधानगी की सफलता में बड़ा योगदान पाएगा। भारत की मेजबानी विच हो रहा 2 दिना वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कल शुरू होया है। श्री मिर्ज़ियोयेव ने कहा कि दुनिया कई आपसी विरोधां ते टकरावां विच वाधे अते आर्थिक संकट के नकारात्मक प्रभावों का सामना कर रही है। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने विकासशील देशों दरम्यान आपसी फायदे वाले संबंधों नूं मजबूत करन विच भारत की सरगर्म भूमिका ते रोशनी पाई। भारतीय मौसम विभाग ने पेशीनगोई की है कि कल तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों च मुड़ तो संघनी तो बहुत संघनी धुंध पेगी। इसने कहा कि हिंद गंगा के मैदानों पर सतह नेड़े उच्च नमी और हल्की हवावां के जारी रहन कारण बिहार के कुछ हिस्सों विच भी संघनी तो बहुत संघनी धुंध जारी रहने की संभावना है। धुंध कारण उत्तरी रेलवे खेत्र विच 2 दर्जन तो वध गड्डियां देरी नाल चल रही ने। संयुक्त राष्ट्र ने इस गल की पुष्टि की कि पिछले 8 साल लालीना मौसमी पैटर्न के ठंडे प्रभाव के बावजूद सब तो वध गर्म रहे ने। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वालों इकट्ठे किए गए 6 उगे अंतरराष्ट्रीय तापमान डाटा सैट अनुसार औसत आलमी तापमान सनती समय तो पहला के पद्धर तो लगभग 1.15 डिग्री ज्यादा रहा है। अमरीका के अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने ओबामा शासनकाल के गुप्त दस्तावेज राष्ट्रपति जो बाइडन के घर के सबक दफ्तर प्राइवेट दफ्तर विच मिलन की पड़ताल रॉबर्ट हूर विशेष कौंसल नियुक्त किया है। 2017 उस समय के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप वालों हूर मैरीलैंड US अटॉर्नी नामजद किया गया से 2021 अपने इस्तीफे तक वह अहदे ते रहे। मर्दां दे FIH हॉकी विश्व कप विच अज शाम रुड़केला दे बिरसा मुंडा स्टेडियम च मेजबान भारत दा स्पेन नाल मुकाबला होएगा। दोहां टीमां दरम्यान विश्व कप दे पिछले 6 मुकाबलियां विच भारत ने 2 अते स्पेन ने 3 मैच जीते ने जदकि 1 मैच बराबर रहा है। उद्घाटनी मैच भुवनेश्वर दे कलिंगा स्टेडियम च अर्जेंटीना ते दक्षिणी अफ्रीका दरम्यान खेडिया जाएगा। क्रिकेट च भारत ने कल रात कोलकाता च ईडन गार्डनस विखे दूजे 1 दिना अंतरराष्ट्रीय मैच विच श्रीलंका नूं हरा के लड़ी जीत लई है। जितली 216 दौड़ां दे टीचे दा पिछा करदे मैजबान टीम ने 3 मैचां दी लड़ी दा दूजा मैच 4 विकटां नाल जित लिया। कुलदीप यादव नूं उसी शानदार कारगुजारी लई प्लेयर ऑफ द मैच ऐलानिया गया। आखिर विच खास खबरां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी विच दुनिया दे सब तों लंबे दरियाई क्रूज MV गंगा विलास नूं झंडी विखा के रवाना कीता है। उन्हां कहा कि 125 तों वध दरियावां नाल भारत विच जल मार्ग ट्रांसपोर्ट लई वड्डी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सब कुछ है जिसकी कोई कल्पना कर सकता है ते बहुत कुछ अजिहा जो किसी की कल्पना तो परा है। पार्लीमेंट का बजट समागम 31 जनवरी तो शुरू हो रहा है, यह 6 अप्रैल तक चलेगा। अज लोहड़ी का त्यौहार रवायती उत्साह मनाया जा रहा है। आकाशवाणी तो खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है।